ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां वाराणसी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, काशी की जनता एक बार फिर थी के साथ, काशी से विकास की गारंटी, यूपी में मिशन 80, काशी में नमो नमो और भक्ति और दुग्ध क्रांति, काशी से देश को पीएम मोदी का बड़ा संदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर है और ऐसे में आपको बता दें कि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां पर ग्रेटर नोएडा में किसानों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सूरजपुर सीपी ऑफिस के दफ्तर में बैठक हुई। 23 फरवरी को किसान अब दिल्ली नहीं करेंगे कूच। नोएडा के किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा तीनों जगह पर किसानों का लगातार धरना रहेगा जारी। सहमति के बाद दिल्ली कूच का स्थगित किया गया प्लान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुबीर खलीफा। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा व सीपी लक्ष्मी सिंह मौजूद रही। बैठक के बाद किसानों ने स्थगित किया 23 फरवरी को दिल्ली जाने का ऐलान। नोएडा प्राधिकरण और नोएडा एनटीपीसी भवन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का धरना जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किसानों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा और सीपी लक्ष्मी सिंह मौजूद रही और इस दौरान बैठक के बाद किसानों ने अपना 23 फरवरी को दिल्ली कूच का प्लान स्थगित किया। नोएडा प्राधिकरण और नोएडा एनटीपीसी भवन ग्रेटर नोएडा में नहीं करेंगे कूच। ग्रेटर नोएडा में किसानों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई और सूरजपुर सीपी ऑफिस के दफ्तर में बैठक की गई। बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा के किसानों ने दिल्ली जाने का किया ऐलान।